थैंक गॉड तुम ठीक हो। पापा का कॉल आते ही मैं मुंबई से निकल गया था, एयरपोर्ट से लेकर सारे रास्ते तक। पता है मैं कितना टेंशन में था? अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यू आर सो ब्रेव। अमित, मैं और हमारा बेबी दोनों ठीक है। अगर जानवी या उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी हो जाता ना, तो मुझे जिंदगी भर ये गिल्ट रहता कि ये हादसा हमारे घर पर हुआ। अरे नहीं नहीं, जब जो लिखा होता है तब तक सो होता है सुधा जी। जी, जरूरी बात तो ये थी कि जानवी को सही समय पर हॉस्पिटल आपके घर के बच्चे नहीं पहुंचाया। अरमान ने हर कदम बहुत समझदारी दिखाई है। थैंक यू अरमान। अरे नहीं नहीं, बस आज सुबह से इतने थैंक यू मिल चुके हैं कि पूरे साल का कोटा पूरा हो गया है। इसमें अकेले मेरा ही क्रेडिट नहीं है, और भी लोगों ने हेल्प की है। भाई, मैं और मम्मी जा रहे थे। अरे ये आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है रात भर आपको किसी ने सोने नहीं दिया। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ घर चलिए। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ ना, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा के आता हूँ। फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगी, और वैसे भी हमें यहाँ पर है, मुझे लगता है अरमान तुम्हें आंटी के साथ चले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे वैसे भी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करने की आदत है, और मम्मी तो बोलती हैं कि मेरे शरीर में खून नहीं कॉफी दौड़ती है। कॉफी? कॉफी एनीवन? मैं दी के लिए जूस लेने जा ही रही थी, तो कॉफी और नाश्ता भी लेती आऊंगी। आंटी आप क्या लोगे? बेटा हम कुछ नहीं लेंगे, हम अब निकल रहे हैं। अरमान तुम पलकी के साथ जाओ ना, उसकी थोड़ी मदद कर दो। हूं? हाँ भाई, मैं और मम्मी अकेले चले जाएंगे। बेचारी सबके लिए इतना कुछ कैसे लेके आएगी अकेले? आप यहीं रुकिए, बाद में आ जाइएगा। ओके। काजल के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, डिलीटेड मैसेजेस भी। हेलो, हाय रिया, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, तुम तो गायब ही हो गई। सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, अभी तुम्हारे सारे कॉल्स और मैसेजेस देखे। सब ठीक है? या ऑल ओके। बस गलती से रात को तुम्हें कॉल लग गया था, या शायद मेरा फोन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और वो मैसेजेस जो तुमने मुझे भेज कर डिलीट कर दिए, वो भी फोन की गलती है। क्या हुआ, सब ठीक? कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है सब। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए जज नहीं करूंगी। क्या फिर से किसी ने तुम्हें उम्मीद देकर खुद को समेटने के लिए फिर से अकेला छोड़ दिया? हाँ, वो मयंक, तुम मिली थी ना उस दिन उससे, मुझे लगा था कि वो बाकियों से अलग होगा। दिया, मुझे लगा था कि इस बार मुझे मेरे मेमोरी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये तो ओवरफ्लो कर रहा है यार।
क्या मैं किसी के राज होने की जगह किसी का हमराज बन पाऊंगी? बाय। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाड़ में जाए ये लोग, हमें इनसे ना कुछ लेना ना कुछ देना। सत्य वचन, सत्य वचन। चलो इसी बहाने मेरी मेमोरी बॉक्स में एक नया नाम, कुछ यादें और कुछ नए फोटोज ही जुड़ गए। की बात कर रही थी ना, ये उम्मीद बड़ी अजीब चीज है यार। पहले जो उम्मीद हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है ना, बाद में वही उम्मीद टूटकर हमें भी तोड़ देती है। जैसी हमारी लड़कों से उम्मीद, हर बार ये सोचकर चांस देते हैं कि ये वाला पहले वाले से बेहतर निकलेगा, लेकिन हर बार ठोकर खाते हैं यार। क्या करे, फितरत है, इतनी आसानी से थोड़ी ना बदलती है। फितरत है। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेडिक्लेम पेपर साइन करके डिस्चार्ज काउंटर पर जमा करवा दीजिए, उनका अप्रूवल आते ही आप पेशेंट को घर ले जाइए। ओके, और ये मेडिकल इंश्योरेंस काउंटर फर्स्ट फ्लोर पर है, राइट? या ठीक है, थैंक यू। मेडिकल इंश्योरेंस, तुम कहाँ हो दिया, सब ठीक है ना? अरे आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, एक्चुअली कल रात मेरी सिस्टर जानवी को यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया था। मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, इसी वजह से तुम्हारे कॉल्स भी नहीं देख पाए। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैं भी अपना क्या रोना लेके बैठ गई। कोई बात नहीं काजल। अच्छा मुझे ना थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज यहाँ पूरी करनी है, तो मैं तुम्हें आराम से फोन करूँ? और तुम अपना ख्याल रखना। ओके, तुम भी। रियली सॉरी। बाय। अंकल, इस बैग में मैंने जानवी की सारी दवाइयां और रिपोर्ट्स रख दी हैं। अच्छा, वैसे मम्मी की दवाइयों की वजह से मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन वाली राइटिंग समझ में आती है, एक्सपर्ट हूँ। तो कभी कुछ समझना है, हाफ डॉक्टर अपन को कॉल कर लेना। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मैं ये पूरी कर लेता हूँ। हेलो जी। ओके ओके, हाँ मैं आता हूँ। हाँ जी भैया, वो मेडिकल इंश्योरेंस के अप्रूवल आ गया है, मैं आता हूँ। आप ऊपर नीचे मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप यहाँ पर सभी पैक करवा लीजिए और पेपर वर्क मैं देख लेती हूँ। भैया मैं भी चलता हूँ, एक सेकंड, पेपर क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। बाय, इट विल सून। नमस्ते। तुमने? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे गले में शायद कुछ अटका है। क्या? Words. मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि दरअसल बात यह है कि पक्का अरमान रस्तोगी BSc ऑनर्स। अरे रितु नेगी, आई वॉज योर बैचमेट। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। इट्स ओके, इट्स एक्सपेक्टेड। कॉलेज के सबसे कूल ग्रुप के सबसे कूल लड़के को मेरे जैसी चश्मिश फर्स्ट बेंच पर बैठने वाली लड़की कैसे याद रह सकती है यार? आई अंडरस्टैंड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड भी फर्स्ट बेंचर था ना, नर्ड था। अब 120 बच्चों के बैच में से कितनी शक्लें याद रहेंगी? और वैसे भी मैं तो आधा टाइम टेनिस खेल रहा होता था, क्लास में होता ही नहीं था। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्लास के अंदर से ज्यादा क्लास के बाहर बहुत रहते थे यार। क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रही हूँ, बट anyway, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नॉर्दर्न कैंपस के सबसे रोमांटिक कपल थे, आई रिमेम्बर दैट। वैसे क्या कर रही है आजकल वो?
अब साथ में नहीं। I'm so sorry. रीतु मैम, प्रमोद सर बुला रहे हैं आपको अर्जेंटली एडमिन रूम में। अच्छा, I'm coming. अच्छा अरमान, चलो आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड होपफुली तुम मेरा चेहरा और नाम याद रखोगे अगली बार। पक्का, चलो डेफिनेटली, बाय। लगता है जो इसके स्टैंडर्ड की नहीं है उसे भूल जाने की आदत है इसे। तुमने कुछ कहा? मेन एग्जिट सामने है और मुझे यहाँ राइट में जाना है। लड़की है, 5 अल्फाबेट्स का रिडल। एंगर, एंग्स्ट, हैप्पी, टीयर्स और वो सड़ू। अजीब लड़की है। मुट्ठी खोलो। बचपन से जब तुझे किसी भी बात का गिल्ट होता है ना, तो तू हमेशा सॉरी बोलने के लिए मुट्ठी खुलवाती है। आज क्यों सॉरी? ये जब आप कल गिरे तो आपके पास ना होने के लिए सॉरी। इट्स ओके। ये एम्बुलेंस को टाइम पे कॉल ना कर पाने के लिए सॉरी। इट्स ओके। ये आपको संभालने की जगह खुद रोने के लिए सॉरी। इट्स ओके। ये बैड सिस्टर होने के लिए सॉरी। इट्स ओके। ये क्लास 9 में आपका ब्लू ड्रेस चलाने के लिए सॉरी। इट्स ओके। क्या पलकी? मुझे हमेशा से डाउट था वो ड्रेस तूने ही चलाई है। दी, आई एम सो ग्लैड कि आप ठीक हो गए। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था। वो तो शुक्र है अरमान वहां पर था कि वो सो रिलैक्स्ड, सो काम। सच में कल ना अरमान ने सब कुछ संभाल लिया वरना। काम भी और क्यूट भी, है ना? मतलब ओके ही है। ओके क्या होता है? तुझे वो पसंद है ना? ओके मतलब ओके डोकी। अभी आप आराम करो, बहुत बोल रहे हो। अरमान पे ज्ञान बाद में। ओके। काजल, तुम ठीक हो? बड़ा ही बदतमीज था, तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया और चला गया। नहीं, गलती उसकी नहीं है। वो इसलिए चला गया क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं। क्या इसका भी तुम्हारी यादों के पिटारे से कोई नाता था? क्या थी एक पुरानी पहचान, लेकिन अब बिल्कुल अनजान है। मतलब इसने भी तुम्हें बाकी लोगों की तरह धोखा दिया और वक्त आने पर साथ छोड़ के चला गया? नहीं, यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। साथ उसने नहीं
साथ मैंने छोड़ा था और अपनी लाइफ का एक फैसला आज तक मुझे कचोटता है। अरमान तो उन लड़कों में से है जो एक बार किसी का हाथ थाम लेना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। गलत टाइम पे गलत फैसला ले लिया यार, बट कोई बात नहीं, अब इसके बारे में सोचूंगी तो अपना ही मन भारी होगा। पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि अब अरमान को एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसकी अच्छाइयों से प्यार करे, क्योंकि वो डिजर्व करता है वो सब कुछ। और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बस एक बात कहनी थी तुमसे, हम आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ओके ओके वन सेकेंड। ओह शिट दिया, मुझे कहीं जाना था, मैंने किसी और को भी टाइम दिया था, मैं भूल गई। और तुम प्लीज अपनी बहन का ध्यान रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बेझिझक होकर मुझे बताना। ओके अब ज्यादा सोचो मत, कल कितना अच्छा फेस्टिवल भी है। नाउ चीयर अप, टेक केयर प्लीज, बाय बाय। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।